हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग पर। और हम दिखा रहे हैं आपको मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की ये घुघवा जीवाश्म फॉसिल पार्क हम आपको दिखाने वाले हैं। और हम आए हैं आज घुघवा फॉसिल पार्क, और ये देखिए ये टंकी है, और यहाँ से एक नया रास्ता। घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान गाँव घुघवा में टिंडोरी से 70 किलोमीटर दूर स्थित है। यह 75 एकड़ भूमि के क्षेत्र में बसा है, जहां पत्तियों और पेड़ों के आकर्षक और दुर्लभ जीवाश्मों की खोज होती रही है। इस राष्ट्रीय उद्यान में जीवाश्म रूप में पौधे हैं जो 40 मिलियन से 150 मिलियन साल पहले भारत में कभी मौजूद थे। ये दीदी, भैया दीदी साथ में। अरे, बिना अनुमति के प्रवेश निषेध तो है। कई लाखों साल पुराने पेड़ पौधों के ऐतिहासिक साक्ष्यों को प्रदर्शन करने वाले घुघवा फॉसिल नेशनल पार्क की स्थापना वर्ष 1970 में की गई थी। यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा जीवाश्म। ये जितने भी सारे दिख रहे हैं वो जीवाश्म ही हैं, और मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये है जीवाश्म का एक हिस्सा। यहाँ लकड़ी के जीवाश्म भी देखने को मिलते हैं। ऐसे कई वृक्षों के जीवाश्म हैं जो सदियों पहले हुआ करते थे, लेकिन अब उनका कोई वजूद नहीं है। जब भी आप अपने परिवार या फ्रेंड्स के साथ घुघवा फॉसिल नेशनल पार्क पर आएंगे, तो आप यहां लाखों साल पुराने पौधों, पर्वतारोहियों, पत्तियों, फूलों, फलों और बीजों के संरक्षित जीवाश्मों को देख सकेंगे। वैसे तो साल के किसी भी समय घुघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा की जा सकती है, लेकिन सर्दियों के महीने में यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। जब मौसम ठंडा और सुगंध होता है, इस दौरान आपको भारत के विभिन्न हिस्सों से आए हुए पर्यटक भी देखने को मिल सकते हैं। पूरी तरीके से पत्थर बन चुके हैं ये, और हार्डनेस देखिए। प्राचीन काल में टैथिस सागर नामक अरब सागर के एक भाग चल के नर्मदा घाटी तक फैला हुआ था। यह जो दिखाई दे रहा है हमें, ये सफेद पेड़ का जीवाश्म है, जिसे हम यूकिलिप्टिस भी बोलते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ और पौधे मौजूद हैं, जैसे कि आप जो देख रहे हैं ये है पलास का पेड़। यहाँ पर हमें चारों तरफ जीवाश्म ही जीवाश्म दिखाई दे रहे हैं। हम अभी इस छोर से इस छोर की ओर आ चुके हैं, और आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। देख सकते हैं ये नारियल, नारियल का जीवाश्म। इस पूरे एरिया पे दुर्लभ पेड़ पौधे का जीवाश्म मिलते हैं। वाल
एक जगह ये दिख रहा है, एक जगह मैं आपको ले जाऊंगा यहाँ पर, और बहुत ही शानदार है ये भी। देखिए ये है जीवाश्म, ये बहुत ही पुराना इतिहास को ये साबित करता है कि यहाँ भी घने वन जंगल पेड़ पौधे हुआ करते थे, और किसी विपत्ति आपदा के कारण जो है ये एक साथ घने वन वृक्ष नष्ट हुए हैं और बाद में ये जीवाश्म का रूप धारण किए हुए हैं। वाह, ये पूरा पत्थर का रूप ले चुके हैं। जी हाँ, तो हम मिसेज सालू से पूछना चाहेंगे कि जीवाश्म हमें क्या संकेत देते हैं। जीवाश्म संकेत देते हैं कि जो पुराने वर्षों में, मतलब करोड़ों वर्ष पहले जो हमारे जो ये वातावरण है उसकी भौगोलिक स्थिति किस टाइप की थी, मतलब यह वातावरण क्या, और हमें ये दर्शाता है कि यहाँ भी बहुत करोड़ों वर्ष पहले जंगल पेड़ पौधे हुआ करते थे। हम जाएंगे सीधे उस ओर रास्ते के लिए, और इसके बगैर आप यहाँ नहीं आ सकते। सो दोस्तों, करते हैं कुछ मनोरंजन। सो गाइस, आपने देखा, ओ हम भी देख चुके हैं। हम अब जा रहे हैं अपने घर के लिए, भगवा पार्क से अपने घर, और काफ़ी घूम चुके हैं, अब लगभग थक चुके हैं हम तो। अब जाएंगे, अब हम प्रयत्न हो रहे हैं, ये है गेट, अब यहीं से प्रवेश हुए थे इस साइड के लिए।